हेलो फ्रेंड, वंदना जी की रसोई में आपका स्वागत है। मैं हूँ वंदना। आज मैं आपको समा के चावल की खीर बनाना सिखाऊंगी। फ्रेंड बहुत टेस्टी लगती है, स्वादिष्ट भी रहती है और हेल्दी भी रहती है। व्रत में आसानी से खा सकते हैं आप, वैसे भी खा सकते हैं फ्रेंड, कभी भी बना सकते हैं। 5 मिनट में हमारी खीर तैयार हो जाती है। चलिए फ्रेंड, अब हम खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड अब हम खीर बनाना चालू कर रहे हैं। तो ये मैंने घी ले लिया है, घी डाल लेंगे। ये मैंने 5-6 बादाम लिए थे, ये भी इसमें भूंज लेंगे। ये मैंने 10-12 काजू लिए थे, ये भी भूंज लेंगे फ्रेंड। ये मैंने किशमिश लिए हैं 10 से 15, ये भी इसी में भूंज लेंगे। ये मखाने लिए हैं फ्रेंड, ये हम हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे फ्रेंड। फ्रेंड हमारी 2 मिनट में सारी मेवा रोस्ट हो गई है। और हम इसमें समा के चावल डाल लेंगे फ्रेंड। मैंने भी हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। बहुत टेस्टी खीर बनती है फ्रेंड, आप जरूर ट्राई करें। अब हम इसमें दूध डाल लेंगे। मैंने 4 चम्मच चीनी डाल दी है फ्रेंड, ये भी हम भून लेंगे, अच्छे से भून जाएगी साथ में। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने देते हैं फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, हमारी समा के चावल की खीर बन गई है। ये मैं इसमें चिरौंजी और डाल रही हूँ। हमारी खीर 2 से 3 मिनट में तैयार हो जाती है फ्रेंड। देखिए कितनी अच्छी खीर बन गई है। ये मैंने 50 ग्राम चावल लिए थे फ्रेंड, ये 2 जने के लिए 50 ग्राम चावल में काफ़ी खीर बन जाती है। ये चावल बहुत सहले होते हैं फ्रेंड, आप ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसको सर्व करने के लिए एक बाउल में निकाल लेते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें फ्रेंड। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएँ फ्रेंड। देखिए हमारी खीर कितनी अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड देखिए हमारे समा के चावल की खीर तैयार है। देखिए फ्रेंड कितनी यम्मी लग रही है। मैंने जो ड्राई फ्रूट घी में भूंजे थे वो सारा घी ऊपर आ गया है फ्रेंड। तो आप कभी भी बना सकते हो। और फ्रेंड मैं ऊपर से और गार्निश कर रही हूँ इसको। तो आप जो भी आपके पास मेवा हो उससे आप गार्निश कर सकते हो फ्रेंड। अब सामान का त्यौहार आ रहा है तो फ्रेंड मैंने गुलाब जामुन की रेसिपी आई बटन पर डाली है, आप उस पर जाकर मेरी रेसिपी देख सकते हो फ्रेंड।